So let's start part 2 of present perfect tense, that is present perfect tense negative, right? Present perfect negative tense. Chalo. Present perfect tense negative, okay? इसका रूल क्या है पता ही है आपको, बस नहीं ऐड करना है. तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट क्लास में तो सबका आता ही है. सो इसमें नॉट एडिशनल है, ठीक है? और एग्जांपल अपन देखेंगे क्विकली. हमने घर में टीवी नहीं देखा है, हमने घर में टीवी नहीं देखा है, हमने घर में टीवी नहीं देखा है, ठीक है? सब्जेक्ट क्या है? वी. ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हैज नहीं आएगा, तो हैव ही आएगा. वी हैव. फिर सब्जेक्ट में क्या है, रूल में क्या है? नॉट है. वी हैव नॉट. वी थ्री, टीवी देखना मतलब वॉच, राइट? वॉच का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? वॉच वॉच वॉस्ट, राइट? वॉच वॉच्ड वॉस्ट. तो वी हैव नॉट वॉच्ड. सो आपको ये वर्ब में वी वन से वी टू कैसे करना है उसके भी रूल है. जैसे डी ऐड होता है, ई डी ऐड होता है, वो भी हम देखेंगे. पहले हमारा बेसिक क्लास देखेंगे, उसके बाद ये सब देखेंगे, ओके? वी हैव नॉट वॉच्ड टेलीविजन, राइट? कहाँ पे? होम, राइट? वी हैव नॉट वॉच्ड टेलीविजन इन होम, घर पे, घर में, ठीक है? मतलब ये ऑब्जेक्ट है इन होम. अगर आपको एक बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में रिवाइज करूँ तो हम सब्जेक्ट हो गया देखा है, हा है, देखा है, खाया है, आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है. तो नई नेगेटिव का पहचान है. घर में टीवी जो बचता है, अभी बचा है ना, सब्जेक्ट वर्ब पहचान ऑब्जेक्ट, पहचान के बाद जो भी बचता है घर में टीवी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो ये हमने देख लिया. सब्जेक्ट भी हैव एज में से हैव आया, नॉट आया फार्मूला में आप देखो, ये नॉट आया, नॉट आया, सब्जेक्ट में वही आया, हैव एज में से हैव आया, नॉट में से नॉट आया, प्लस वी थ्री वॉज्ड, ये वी थ्री आया, प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट हो गया. ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये वी थ्री हो गया, ये नॉट का नॉट ही हो गया. सो हैव एज में से हैव और हैज हो गया ये, और ये सब्जेक्ट हो गया. तो हमारा फार्मूला बन गया सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया, ठीक? तो इस तरह से आपको बढ़ना है, ठीक है? तो अभी हम कितने भी एग्जांपल देखें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर यही है. एग्जांपल तो हम बहुत देखेंगे, आप लोग को भी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फिलहाल हम और एक एग्जांपल्स देख लेते हैं. और एक नहीं और कुछ देख लेते, दो तीन. चलो, सो दैट वाज एग्जांपल नंबर वन, राइट? अभी एग्जाम्पल टू ले लेते हैं. सो एग्जाम्पल टू, तुमने पिताजी को कार नहीं मांगी है, तुमने पिताजी को कार नहीं मांगी है, ठीक है? सो तुमने पिताजी से कार नहीं मांगी है, तुमने पिताजी से कार नहीं मांगी है. बस वन मिनट. सो यहाँ तक हमने देख लिया, तुमने पिताजी से कार नहीं मांगी, तो इसका अभी सब रूल तो आपको पता ही, ऊपर लिखा है, ठीक है? आपने ट्राई किया तब तक? ठीक है, चलो. सब्जेक्ट क्या है? यू. यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हैज़ नहीं आएगा, तो यू हैव ही रहेगा,
ठीक है, हैवेज में से हैज आया और नॉट आएगा, यू हैव नॉट आएगा और बी थ्री भी आएगा, अभी यू हैव नॉट, बी थ्री में कैसे आएगा, कार नहीं मांगा है, मांगना मतलब क्या होता है, डिमांड होता है, ठीक है, नॉट डिमांड, डिमांड का बी थ्री डिमांड डेड, सो ज़्यादातर में डी ई डी लगता है, ठीक है, यू हैव नॉट डिमांडेड, सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मांगी है, आया है, गया है, ग है, ठीक है, ये नेगेटिव आईडी है, पहचान हो गया, ठीक है, नहीं नेगेटिव का पहचान हो गया, पिताजी से जो बचता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड पहचान के बाद जो बचता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट रहता है, पिताजी से कार, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, पिताजी से कार, पिताजी से कार को क्या क्या बोलेंगे आप, कार फ्रॉम फादर, ठीक है, ऐसा होगा, और एग्जांपल देख लेते हैं, यहीं पे देख लेंगे, राहुल माँ को पैसे नहीं दिया है, राहुल ने माँ को पैसे नहीं दिया है, राहुल ने माँ को पैसे नहीं दिया है, आप ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, राहुल सब्जेक्ट है, यहाँ पे राहुल सब्जेक्ट है, ये पहचान है आईडी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये नेगेटिव क्या आईडी हो गया, और जो बचता है ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट राहुल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राहुल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैव एज में से क्या आएगा, हैज आएगा, नॉट तो आएगा ही क्योंकि नेगेटिव है, प्लस वी थ्री आएगा, हैज नॉट, देना को क्या बोलते हैं, गिव, सो गिव गेव गिवन, ऐसा है, बी वन बी टू बी थ्री, तो यहाँ बी थ्री क्या है, गिवन, गिव गेव गिवन, राइट, राहुल हैज नॉट गिवन माँ को पैसे, मनी टू मदर, राहुल हैज नॉट गिवन मनी टू मदर, ठीक है, सो अभी हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव देखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप इंट्रोगेटिव देखेंगे, तब तक जस्ट गिव मी अ मिनट, फ्यू सेकेंड्स ठीक है, चलो प्रेजेंट, तब तक हम और इसका नेगेटिव का कुछ और सेंटेंसेस वगैरह देख लेते हैं, देखो सो जस्ट इट्स जस्ट लाइक रिवाइजिंग, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव एज में से एक आएगा प्लस नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, सो यदि वाक्य नेगेटिव हो तो इनका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सर्वप्रथम सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैव एज में से एक, फिर नॉट, फिर वर्ब्स थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, हमने देख लिया एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के तौर पे, तुमने अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है, यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर होमवर्क, राइट, सो ये हैव सब्जेक्ट में से क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट लेते हैं यू, सो यू क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए हैव है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही हैज लेना है, अदरवाइज हैव, तो अगर आपको डाउट है तो हैव ही ले लो, ठीक है, ज़्यादातर 90% केस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में अगर बात नहीं कर रहे तो हैव रहेगा, तो यू हैव नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट ले लिया यू, हैव हैज में से हैव ले लिया, नॉट ले लिया, कम्प्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम्प्लीट कम्प्लीटेड कम्प्लीटेड ऐसा, सो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट, ये हैव हैज में से, हैव हैज में से एक आया, ये नॉट आया, नॉट आया, फिर वी थ्री आया, तो ये जो बचता है ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गए, तुम सब्जेक्ट हो, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, नहीं नेगेटिव का आइडेंटिफिकेशन हो गया, कार्य करना वर्ब हो गया, अपना गृह कार्य ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है, सो अपना गृह कार्य योर होमवर्क, तो फॉर्मूला में फिट बैठ गया, सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही आपको सब करना है,
वो अभी तक नहीं गया है, सो ही हैज़ नॉट गॉन एट. सो वो सब्जेक्ट हो गया, हैबेज में से हैज़ क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नॉट हो गया वी थ्री और ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन गया है वर्ब है. ठीक है, अभी तक या ऑब्जेक्ट हो गया, येट अभी तक मतलब येट, दिस इज ऑब्जेक्ट राइट, ये वी थ्री, सो ये नॉट हो गया. ठीक है, सो मुझे लगता है अभी इतने में से आपको समझ में आ जाए, आ गया होगा. ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है. अगर आपको इतने में भी समझ में, आई मीन आपको अगर पूरा सारे सेंटेंसेस अगर एक्सप्लेन करना है तो आप मुझे जस्ट कमेंट करना या व्हाट्सएप करना. ठीक है, सो लता ने गाना नहीं गाया है. सो लता हैज़ नॉट सॉन्ग सिंग, लता थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज़ आया, लता हैज़ नॉट सॉन्ग अ सिंग वी थ्री. तो ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है. ठीक है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट एंड वर्ब सिमिलर हो सकता है. सो मैंने उसे अपनी गाड़ी नहीं दी है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए हैव आ गया. ठीक है, आई हैव नॉट गिवन हिम माई वॉच, मेरा भाई लखनऊ नहीं गया है. मेरा, मैं मेरे अपने बारे में बात कर रहा हूँ राइट, मेरा सॉरी मेरा भाई, मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूँ राइट. मेरा ब्रदर, माई ब्रदर हैज़ आ गया इसलिए. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज़ आएगा. माई ब्रदर हैज़ नॉट गॉन टू लखनऊ. तो इस तरह से सो आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपका ये होमवर्क है. सीता ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है. ठीक है, मैं अभी बोल देता हूँ, मैं आप प्रैक्टिस करने के बाद जरा चेक कर लेना ये वीडियो फिर से. सीता ने गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है, सीता हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, फिनिश्ड होमवर्क इतने बोल सकते हो. राम ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराया, राम हैज़ नॉट थेप्ट योर बुक, अभिजीत ने मैच नहीं जीता है, अभिजीत हैज़ नॉट वन द मैच, राम ने अपना विवाह अपनी मर्जी से नहीं किया है, राम हैज़ नॉट मैरिड अन हिमसेल्फ राइट. सो कुछ सेंटेंसेस अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो फिलहाल आप छोड़ देना, बेसिक अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गए तो बहुत बड़ी बात है. ठीक है, राम विद्यालय नहीं गया है, राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दे दी है, प्रेमिका को बोल दे गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हैज़ कमिटेड सुसाइड. सो बड़े ने अभी तक मेज तैयार नहीं की, आई डोंट नो हु इज बड़े, जो भी है द गार्डनर और द कारपेंटर हैज़ नॉट फिनिश्ड द चेयर एट. ओके, और डेस्क एट, भक्तों ने शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया है, भक्तों को क्या बोलते हैं, पिलग्रिमेज, हैव नॉट डोनेटेड द वाटर. ठीक है, इसको देख लेना क्या है, जल चढ़ाना को क्या बोलते हैं. सो इस वर्ष राम गोबर नहीं लाया है, गोबर को गोबर बोलते हैं शायद या ठीक है. तो ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको भी समझ में नहीं आ रहे तो हटा दो. सैम ने अभी तक मोहन की किताब नहीं लौटाई है, सैम हैज़ नॉट रिटर्नड द मोहन्स बुक राइट. सैम हैज़ मैंने यहाँ पे यूज किया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है. कुछ विद्यार्थियों ने कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किया है, सम स्टूडेंट्स अभी क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल आ गया, सिंगुलर नहीं है इसलिए हैव, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट अचीव द मार्क्स इन क्लास. सो ए पिगांच ने आज कक्षा की छुट्टी नहीं ली, पिगांच हैज़ नॉट टेकन अ लीव. सो पिगांच थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने क्या किया, हैज का प्रयोग किया. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं. चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव अभी देख लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव. ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है रूल, तो अपने अभी भी देखा था वही रहे रूल, उसमें बस हैव हैज़ को आगे लेते हैं, हैव हैज़. ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आगे आता था अभी हैव हैज़ आगे आ गया.
प्लस वी थ्री, अब ये एंड नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क पर आता ही है, ठीक है। क्या हुआ, हैव एज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। आपके एग्जाम्पल अगर देखना है तो क्या मैंने बच्चों को खाना दिया है, क्या मैंने बच्चों को खाना दिया है, इसका भी कैसे करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में, पहले क्या आएगा हैव एज, अब ये मेरे बारे में बोल रहा है, फर्स्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं है इसलिए हैव आएगा, ठीक है, हैव ये रूल रहा, ठीक है, आप ये रूल पे फोकस करना। तो हैव, हैव एज में से क्या है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैंने, हैव आई, ठीक है, हैव आई बच्चों को खाना दिया है प्लस वी थ्री, खाना देने को क्या बोलते हैं गिवन फूड, राइट, गिव फूड, गिव का थर्ड पर्सन गिव गेव गिवन, हैव आई गिवन प्लस ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों को खाना, ये ऑब्जेक्ट है, हैव आई गिवन फूड टू चिल्ड्रेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये हो गया, दूसरा देख लेते हैं। अब इसका आपको आंसर देखना है तो यस करना, यस आई हैव गिवन, जो अभी हमने अफर्मेटिव पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था, यस आई हैव गिवन फूड टू चिल्ड्रेन। अब नो लिखना है, नो आई हैव, सिर्फ इसे नॉट लगाना है, बाकी सब सेम है, नो आई हैव नॉट गिवन फूड टू चिल्ड्रेन। आप तो लिखना, मैंने ऐसे डबल कमा किया है, आप पूरा सेंटेंस लिखना, ठीक है, वीडियो पॉज करना अगर मैं जल्दी हूँ तो, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुमने रोड पर कार चलाया है, ठीक है, क्या तुमने रोड पर कार चलाया है कभी, सो इसमें क्या रहेगा, क्या तुमने अभी तक रोड पे कार चलाया है, इसको कैसे करेंगे, क्या रूल क्या है, हैव एज में से पहले एक लेना है, तुम मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या, नहीं है, क्या है सेकंड पर्सन है सिंगुलर है इसलिए हैव आएगा, सो हैव, उसके बाद क्या हैव एज में से क्या आएगा, सब रूल पे देखो, हैव एज में से ये रूल, हैव एज में से उसके में से एक ले लिया है प्लस सब्जेक्ट लाएगा, सब्जेक्ट क्या है तुम, हैव यू प्लस वी थ्री, कार चलाना को क्या है ड्राइव, सो ड्राइव ड्रोव ड्रीवन, ड्राइव वी वन ड्रोव वी टू वी थ्री ड्रोवन ड्रीवन, सो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, यू हैव यू ड्रीवन, कार चलाया है, सो ऑब्जेक्ट क्या है, अभी प्लस ऑब्जेक्ट लेना है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको पता है, सो ये पहचान है, चलाना वर्ब है, ये इंट्रोगेटिव क्या तो आपको पता है, ये तुमने मतलब सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, जो बचता है वो है ऑब्जेक्ट, सो रोड पर कार क्या है ऑब्जेक्ट है, हैव यू ड्रिवन कार ऑन रोड, इसमें अगर यस बोलना है तो अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना है, नो बोलना है तो नेगेटिव का सेंटेंस बनाना है। अगर आपको ये सीखना है कि इंट्रोगेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, तो इसका तो वही रूल है कि जो अफर्मेटिव का रूल है वो लगाना, जो नेगेटिव का रूल है वही लगाना, नेगेटिव के रूल में जस्ट नो ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब अफर्मेटिव में भी बाकी कुछ है नहीं, बस इसको इधर उधर करना है, सो हैव यू हमने पूछा है ना, तो यू के जगह आई आएगा ऑब्वियसली, तो अभी हैव सेकेंड में जाएगा, पहले सब्जेक्ट आता है, सो यस हो गया, आई हैव, बस आई हैव, बाकी सब सेम है, आई हैव ड्रिवन कार ऑन रोड,
सो नेगेटिव में आई हैव नॉट आएगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इस तरह आंसर बनता है। तो आप पूरा सेंटेंस देखो, येस आई हैव ड्रिवन कार, नो आई हैव नॉट ड्रिवन कार ऑन रोड, ठीक है। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्या मोहन ने चाय बेचा है? क्या मोहन ने चाय बेचा है? क्या मोहन ने चाय बेचा है? सो सब्जेक्ट रूल क्या है? इंट्रोगेटिव है इसलिए हैव एज पहले आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है ना, प्लस वर्ब का थर्ड फन प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आता है, यही है ना रूल। हैव एज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट, हैव एज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट, सही है। तो हैव एज में से क्या आएगा? क्या मोहन, मोहन के बारे में हम बात कर रहे हैं, टीपीएस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है टीपीएस, इसलिए हैज आया। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। बी थ्री क्या है? चाय बेचना, सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, बी थ्री प्लस चाय बेचना, चाय को क्या बोलते हैं? टी। हैज मोहन सोल्ड टी? हैज मोहन सोल्ड टी? यस, मोहन हैज, बस इसको हमने इधर इधर किया, हैज को इधर लेके आए, मोहन को इधर लेके आए, ठीक है, ऐसे किए, राइट, और मोहन को इधर लिए, हैज को इधर, मोहन को इधर, यस मोहन हैज सोल्ड टी, ठीक है। और नो नो बोलना है तो नो, मोहन हैज नॉट सोल्ड टी, बस इसमें हमने नो ऐड किया है, राइट, बहुत ही सिंपल है। फिर आप एक बार एफर्मेटिव का रूल आ गया तो आपको बाकी बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं क्या, इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रूल देखा, हैव हैज सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हैव हैज का सर्वप्रथम फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ठीक है। सो यदि वही वाक्य नेगेटिव भी हो तो नियम का पालन करते हुए सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है, ठीक है। आपको ये तो पता ही है, अगर पता नहीं है तो देखो, ये भी आपको पता ही था, अगर पता नहीं है तो देखो, जस्ट हम रिवाइज करें। क्या वो अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है? सो इस कुछ एग्जांपल्स, क्या वो अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है? सो हैज सी कंप्लीटेड हर वर्क? सी हैज आएगा क्योंकि टीपीएस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या तुमने, ये सेकंड पर्सन है, तुम मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है, टीपीएस नहीं है तो हैव आएगा। हैव यू सब्जेक्ट, नॉट लिखना ही है, वर्क का थर्ड फॉर्म कंसल्टेड, ये ऑब्जेक्ट है विद डॉक्टर। सो ये पहचान है, ये पहचान है, पूर्ण करना वर्ब है, सलाह नहीं लेना ये भी वर्ब है। तो क्या तो हो गया, मतलब क्या को छोड़ दो, ये तो इंट्रोगेटिव का है, तुम मतलब सब्जेक्ट है, वो मतलब सब्जेक्ट है, जो बचता है ये डॉक्टर से सलाह, ये अपना कार्य, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लास्ट में हर वर्क ऑब्जेक्ट है, सो विद डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह। और कुछ एग्जांपल्स है, क्या लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी है? हैज लोमड़ी मतलब टीपीएस थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज द फॉक्स फॉलन इन टू द वेल, फॉल फेल फॉलन, सो हैज द फॉक्स फॉलन इन टू द वेल। क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो? तुम टीपीएस नहीं है इसलिए हैव यू रिटन योर लेटर वी थ्री। क्या उसने गरीबों की सहायता की है? हैज उसने थर्ड पर्सन सिंगुलर हेल्प्ड वी थ्री। हैज ही सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, हैज ही हेल्प द पुअर। सो आपके लिए कुछ होमवर्क है, क्या विद्यार्थी खेल के मैदान में पहुंच चुके हैं? क्या अनिकेत ने तुम्हारी कलम चुराई है? क्या बच्चों को पिताजी ने डांटा है? क्या अध्यापक ने बच्चों को दंड दिया? ये सब आपके एग्जाम होमवर्क है, ये ट्राई कर लेना, अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसा है कि आप डब्ल्यू एच आगे लगा सकते हो, अभी जितना भी हमने रूल सीखा है वो सेम है, सिर्फ आगे
डब्ल्यू एच लिखना है। डब्ल्यू एच मतलब क्या, व्हाट वेयर राइट, व्हाट वेयर व्हेन हाउ राइट। सो ये डब्ल्यू एच बोलते हैं, इसको सिर्फ आगे डब्ल्यू एच लगा देना है, डब्ल्यू एच वर्ड आगे लगा देना है, फिर हैव एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट सब सेम है। यदि वाक्य में कब क्यों कैसे कहाँ इत्यादि आए तब इन शब्दों की अंग्रेजी सर्वप्रथम फिर से हैज हैव, सर्वप्रथम इनका डब्ल्यू एच लिखना है, उसके बाद हैव एज, फिर सब्जेक्ट, फिर वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। सो यदि यही वाक्य नेगेटिव हो तो तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स, तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है, वेयर हैज योर फ्रेंड गॉन, सो यहाँ पे सिर्फ वेयर लगाए, तो ये तो हैव एज में से हैज ही आया, क्योंकि तुम्हारा मित्र मतलब तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे, तुम्हारे मित्र के बारे में बात कर रहे, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज योर फ्रेंड गॉन, ठीक है। वाई हैज, इसको वाई को सिर्फ ऐड करना है डब्ल्यू एच को आगे, तो ये तो रूल यहाँ से शुरू होता हैव एज में से हैज आया, उसने उसकी बात कर रहे हैं टी पी एस की। वाई हैज ही नॉट कॉल्ड मी, सो बिल्ली ने कितना दूध पिया है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्ली, फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में जिसको पूछ रहा हूँ वो, एंड थर्ड पर्सन बिल्ली के बारे में हम बात कर रहे हैं राइट। बिल्ली टी पी एस, कैट टी पी एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर राइट। हाउ मच, हाउ डब्ल्यू एच में से लिखना, हाउ मच डब्ल्यू एच में से आया मिल्क हैज, यहाँ से शुरू होता है हाउ मच मिल्क, कितना दूध, इसलिए ये डब्ल्यू एच का पार्ट है, हाउ मच मिल्क कितना दूध। हैज़ द कैट ड्रिंक, सो कितने लोग खाना खा चुके हैं। हाउ मेनी पीपल हैव ईटन द फूड, सो हाउ मेनी पीपल हैव ईटन द फूड, सो हु हैज़ केम टू कॉल यू डब्ल्यू एच, ठीक है। इस तरह से आपको डब्ल्यू एच आगे लगाना है, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, होमवर्क्स है आपके लिए, तुमने अभी तक अपना गृह कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया है, ये नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तुमने ये पुस्तक कहाँ से खरीदी है, ये सब अभी स्क्रीन में दिखा है, इन सब आपके लिए होमवर्क है, टैप कर लेना, ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो या स्क्रीनशॉट लेना, जो भी करना है आपको कर लेना। ये सब आपके होमवर्क से, नेगेटिव भी है इसमें, इंट्रोगेटिव भी है, ठीक है, विद्यालय की घंटे। सो अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बचता है वो हम करेंगे अभी। सो अभी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बाकी बचा था तो इतना देखना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट टेंस में, ठीक है। सो रूल क्या है, हैव हैज में से एक लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर नॉट लेना है, फिर वी थ्री लेना है, फिर ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन मार्क तो पता ही, सब सेम है आपको, बस यहाँ पे इंट्रोगेटिव का ही रूल है, बस नॉट नेट सॉरी नॉट यहाँ पे ऐड हो गया। तो फॉर एग्जांपल क्या, तोते पेड़ पर नहीं चढ़ा है, सो हैव रहेगा कि हैज रहेगा, हैज रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तोते अगर प्लूरल बोलेंगे आप तो फिर इसको हैव लिखना, ठीक है। हैव पैरट्स नॉट सैट ऑन ट्री, सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे नॉट लगा है, ठीक है। हैवेज में से हैव आया, पैरट सब्जेक्ट आया, नॉट आया, फिर वी थ्री सैट सीट सैट सैट ऑन ट्री ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी यस आपको बोलना है, यस पैरट हैज सैट ऑन द ट्री, नो पैरट हैज नॉट सैट ऑन द ट्री, तो यह यस नो आप लिख लेना, अगर कुछ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट कर लेना, ठीक है, या व्हाट्सएप कर लेना। क्या तुमने स्कूल में झगड़ा नहीं किया है, क्या तुमने, ये मेरा नंबर है 8149132694, क्या तुमने स्कूल में
स्कूल, क्या तुमने स्कूल में झगड़ा नहीं किया है? झगड़ा नहीं किया है? क्या तुमने स्कूल में झगड़ा नहीं किया है? Have you not fought, F-O-U-G-H-T, fought in school? ऐसा आप अपना बना लेना, ठीक है। और थर्ड, क्या मैंने किचन में सब्जी नहीं काटा है? क्या मैंने किचन में सब्जी नहीं काटा है? मैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए हैव, फर्स्ट पर्सन है इसलिए हैव, ठीक है। हैव आई नॉट कट, ठीक है, वेजिटेबल इन किचन? हैव आई नॉट कट वेजिटेबल इन किचन, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। चलो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक आज हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंस फॉर का यूज सीखेंगे एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। रिवाइज करना, लाइक करना अगर पसंद आया तो, कमेंट करना जो भी रहेगा, शेयर करना ताकि सबको ये वीडियो पहुँचे, जो जो बच्चे हैं जो कैन नॉट अफोर्ड क्लासेस, ठीक है, जो पेमेंट नहीं कर सकते बट उनको सीखना है, बिकॉज सीखना सबको चाहिए बेसिकली, तो उन तक ये इसको शेयर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, करना है तो, ऐसा नहीं कर लेना मेरे लिए, अगर नहीं करना है, आपका ईगो अगर हर्ट हो रहा है तो मत करना, ठीक है। तो याद रखो विन विन कंसेप्ट लाइफ में, ठीक है, आपका कुछ लॉस नहीं है तो करो सब्सक्राइब, ठीक है, बाय बाय।